हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फन क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एंड्रॉयड 12 और रियलमी वाई 3.0 के अपडेट्स के बारे में। बहुत से लोगों को अभी तक रियलमी वाई 3.0 के अपडेट देखने को नहीं मिला। बहुत से यूज़र को अभी भी ओपन बीटा और एयरली एक्सेस देखने को मिला है सिर्फ, और अभी भी ऑफिशियल वर्जन उन लोगों को नहीं मिला। तो उन सारी डिवाइस के अकॉर्डिंग आपके लिए मैं आज के वीडियो में बहुत बिग न्यूज़ लाने वाला हूँ, और आपको भी यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूँ कि कब आपको जाके शायद इस अपडेट को देखने को मिले अपने डिवाइस के अंदर। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना। अगर आपको इस तरह के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में क्लिक करके रखना ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो जून 2022 रियलमी 9 के लिए जो 9 4G डिवाइस है उनके लिए जो अपडेट है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके साथ आपको जो वर्जन देखने को मिलता है वो है RMX 3521 11A.15 अपडेट आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ सिस्टम्स के अंदर आपको सिस्टम स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, लेटेस्ट एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिलता है, और कैमरे के अंदर आपको बहुत से फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ, जैसे कि ब्राइट लाइट क्लियरिटी, नाइट मोड फोटो में क्लियरिटी आना, साथ ही साथ 100 मेगापिक्सल थंबनेल लोडिंग एंड जूम इमेज फंक्शन, बहुत कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। वीडियो स्टेबलाइजेशन फंक्शन को बहुत ही अच्छा करना, HDR और रियर कैमरा में ब्राइटनेस को ठीक करना, बहुत कुछ आपको इस मतलब टोटली ये जो अपडेट है ये टोटली कैमरे के ऊपर अपडेट है। और साथ ही साथ आपको ऑप्टिमाइज कलर इफेक्ट एंड फ्रंट एंड रियर कैमरा वाइड एंगल ये भी देखने को मिल जाता है। सो बहुत ही अच्छा अपडेट है। 9 4G यूज़र्स आप जल्दी से जल्दी ये जो अपडेट है वो कर लेना, क्योंकि आपके कैमरे के साथ जो प्रॉब्लम्स आने वाला था वो यहाँ पे बहुत हद तक फिक्स्ड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। वेल अब बात करते हैं मुद्दे में आकर, रियलमी 8i यूज़र्स के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है और सबसे अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि रियलमी 8i यूज़र्स जो लोग अभी भी बेटा वर्जन पे अवेलेबल है उन लोगों के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ यही है कि आपको सबसे पहले स्टेबल अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर आपने बेटा वर्जन नहीं किया 8.41 अपडेट के साथ तो आप थोड़े से पछताएंगे, क्योंकि बेटा वर्जन पे अवेलेबल हो जाते तो आपको सबसे पहले स्टेबल अपडेट का ये ऑफिशियल वर्जन का ये वो आपको मिल जाता रियलमी 8i के अंदर। और ये जो अपडेट है वो 27 मई 2022 को रिलीज़ हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों जो बीटा वर्जन पे अवेलेबल है उन लोगों को कब जाकर अपडेट देखने को मिलेगा, वो आपको जुलाई मंथ के अंदर सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, वो भी बीटा वर्जन के अंदर। और आप लोगों को कोई अलग से अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ डायरेक्ट ऑफिशियल वर्जन पे आप जंप कर जाएंगे बीटा वर्जन के साथ। और जो लोग अभी भी बीटा वर्जन या एयरली एक्सेस या कहिए कुछ भी अपडेट नहीं किया, 3.0 कोई भी ट्रायल वर्जन अभी तक अप्लाई नहीं किया, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे अच्छी न्यूज़ यही है कि आप लोगों को डायरेक्ट स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब जो लोग अभी भी रियलमी 8i के अंदर 2.0 अपडेट रन कर रहे हैं उन लोगों को डायरेक्ट एंड्रॉयड 12 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाएगा अपने डिवाइस के अंदर। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फॉर रियलमी 8i यूज़र्स। वेल दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं रियलमी 7 एंड 7 प्रो के बारे में। तो सबसे पहले 7 के बारे में बात करते हैं। रियलमी 7 को यहाँ पे मई मंथ में ओपन बीटा अपडेट देखने को मिलना चाहिए था, मगर वहाँ पे रियलमी ने जो एक नोटिस के साथ उसका अपडेट पोस्टपोन कर दिया था मई मंथ में, और अभी तक रियलमी 7 के अंदर कोई भी ओपन बीटा अपडेट देखने को नहीं मिला, वो भी जून मंथ के अंदर। बट रियलमी ने यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी खबर यही है, रियलमी ने यहाँ पे अपना जो अपडेट का डेट यहाँ पे अनाउंस कर दिया है वो आपको रियलमी ने अनाउंस किया ऑफिशियली 15 जून के बाद आपके फ़ोन में ओपन बीटा अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट होगा। मतलब 15 तारीख के बाद से आपके फ़ोन में ओपन बीटा जो अपडेट है रियलमी 7 के लिए वो रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फॉर रियलमी 7। और एक और इंपॉर्टेंट बात, रियलमी 7 यूज़र्स जो अभी भी 2.0 पे रन कर रहे हैं, आप लोगों को एयरली एक्सेस देखने को नहीं मिला, आप लोगों को ओपन बीटा भी देखने को नहीं मिला, आप लोगों के लिए डायरेक्ट स्टेबल वर्जन भी देखने को मिल सकता है, वो भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, उसका डेट अभी भी रिलीज़ नहीं हुआ, अगर रिलीज़ होता है वो भी मैं चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। वेल दोस्तों आप बात करते हैं 7 प्रो के बारे में। तो 7 प्रो को भी इस मंथ स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा, इससे पहले मंथ को मतलब मई मंथ में स्टेबल अपडेट देखने को मिलना चाहिए था 7 प्रो को, बट वो भी यहाँ पे रियलमी ने पोस्टपोन कर दिया था, वो भी रियलमी ने कहा था कि लेट जून को आपको देखने को मिलेगा रियलमी 7 प्रो के अंदर स्टेबल अपडेट। बट यहाँ पे खुशखबरी यही है, रियलमी ने इसका भी डेट यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, ये जो अपडेट है वो आपको 20 तारीख के बाद आपके फ़ोन में 7 प्रो के अंदर रियलमी 3.0 का और एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। और जो लोग अभी भी ओपन बीटा वर्जन या एलेक्सिस वर्जन पर अवेलेबल नहीं है, आप लोगों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी यही है कि आप लोगों को भी डायरेक्ट ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलेगा, वो भी 20 तारीख के बाद। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फॉर रियलमी 7 एंड 7 प्रो। आप इंतज़ार बहुत कर रहे थे, बहुत ही मैं क्या कहूँ बेतहा से इंतज़ार कर रहे थे कब जाके देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना।
और यही था दोस्तों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर नीचे कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।